हेलो फ्रेंड्स, हमारे पास एक यूटीएल का एनपीएफसी मॉडल ई रिक्शा चार्जर आया है जिसका 50% एलईडी ब्लिंक कर रहा है फ्रेंड। और वीडियो स्टार्ट करने से फ्रेंड पहले बता देते बड़ा भैया लोगों को राम राम। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए एसी ऑन लिखा रहा है, डीसी इन करने के बाद 50% एलईडी ब्लिंक कर रहा है। देखिए तो इस कंडीशन में क्या क्या हमारा फॉल्ट आ सकता है, इस वीडियो को सही से समझे और देखिए और समझे फ्रेंड। चलिए पहले इसका डीसी हम ऑफ कर लेते फ्रेंड, इसका डीसी ऑफ करके करेंगे। अब पता है फ्रेंड मेरे पास कैमरा स्टैंड ख़राब है, इस कारण से बढ़िया से वीडियो नहीं बना पाते। मैं इतना याद रखिए फ्रेंड, जो हम आप लोगों को ई रिक्शा के ऊपर नॉलेज दे देते या देते हैं, शायद ही कोई यूट्यूब पे देता हो। पहला दूसरा कहूँ भी कोर्स कर लीजिए, माइनर फॉल्ट के बारे में आपको नॉलेज ही नहीं देगा क्योंकि उसके पास खुद ना टाइम है कि वो फॉल्ट फाइंडिंग करे। ठीक है फ्रेंड, इस कारण से आप लोग को बोलते हैं। जब इसका डीसी ऑफ कर लेते फ्रेंड और यहाँ से एसी खोल लेते, कीड़ा उड़ा था फ्रेंड इसलिए मरकरी भी ऑफ किए हुए हैं। देखिए फ्रेंड एसी सेंस का इसका, देखिए कुछ कोई आदमी इसका कमेंट बॉक्स में कहता है कि इसका रेजिस्टेंस बताइए। और हमारा मोबाइल भी डाउन है, चार्ज में लगा कर आप लोग वीडियो बना रहे। चलिए फ्रेंड मरकरी पहले बार लेते हैं, लाइट बारते फिर आप लोगों को वीडियो देते हैं। चलिए फ्रेंड लाइट बार लिए। अब देखिए फ्रेंड इसका रेजिस्टेंस को भाई पूछ रहे थे 5 वोल्ट सेक्शन के बारे में, तो आप लोगों को बढ़िया से 5 वोल्ट का सेक्शन बताते हैं, वीडियो में बने रहे। और ये तो पता है 50% मॉस्फेट की वजह से करता है, इसका 5 वोल्ट सेक्शन कैसे कैसे तैयार किया हुआ है। और रेजिस्टेंस को आप लोग याद रखिए, ये 15 मॉडल है, अभी न्यू 16 एम्पियर का वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है फ्रेंड, यूट्यूब पर किसी टाइम भी हम डालेंगे। जो अभी न्यू मॉडल प्रो आ रहा है एनपीएफसी प्रो, उसका वीडियो कुछ दिन में हम पोस्ट करने वाले हैं। स्टार्टिंग शुरू से सब क्या बोलता था, डिस्प्ले का फॉल्ट है, मगर नहीं फ्रेंड डिस्प्ले का फॉल्ट नहीं रहता। पर इस सेक्शन को देखिए फ्रेंड, अगर ये मॉस्फेट आपका ख़राब हो जाए, ये जो आप मॉस्फेट देख रहे हैं इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। चाहे तक कैमरा काला क्यों आ रहा है तो सारा। अब दूसरी बात फ्रेंड, आप लोग रेजिस्टेंस प्रयास करें देखने का। देखिए ये रेजिस्टेंस अगर कट जाए तो यहाँ एक पतला फ्यूज का आप लोग जम्फर मार सकते हैं। और चलते आगे फ्रेंड, एक मिनट फ्रेंड, लगता है कैमरा को साफ करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर के ये रेजिस्टेंस कटे, रुके ब्रश मार लेते फ्रेंड फिर वीडियो रिकॉर्ड करते हैं आप लोग के लिए। फ्रेंड पंखा का हवा आ रहा हो आपको आवाज़, देखिए फ्रेंड इसका ब्रश पहले से साफ कर लेते हैं। कोई बढ़िया कैमरा स्टूडेंट बताइए फ्रेंड आप लोग कमेंट करके। ये क्या फ्रेंड, ये हिल का है, एकदम 50% का प्रॉब्लम। ये देखिए फ्रेंड ये बहुत ज़्यादा हिल रहा, लगता है हमको कि यही ड्राई हो गया जिस कारण से 50% ब्लिंकर। चले पहले एयर गन चलाते फ्रेंड, एयर गन बोलते फ्रेंड, सॉरी ग्लोवर कहाँ रखा गया, ग्लोवर। देखिए कहाँ पे फेंक देता है लड़का लोग, चले फ्रेंड ऊपर साफ कर लेते गर्दी सारा। दोस्तों एसी डीसी इन करने के बाद अभी भी देखिए इसमें एसी सेंस किया, अब देखते क्या होता है। देखिए अभी भी 50% एलईडी ब्लिंक कर रहा है। चलिए फ्रेंड अब इसको हम बढ़िया से सेंस करते हैं और कहां कहां से प्रॉब्लम है। डीसी ऑफ करते हैं हम, एसी काट लेते हैं फ्रेंड। अब वीडियो में बने रहे हैं आप लोग फ्रेंड। इसका फ्यूज ओपन था, फ्यूज बना रहे थे, डायरेक्ट ये शॉर्टिंग दिखा रहा है चार्जर। ठीक है चलिए अब आगे देखते हैं क्या हुआ। अब मॉस्फेट तो चेक करें तो सही बता रहा है, ना इसका ब्रिज डायोड शॉर्ट होगा या तो कुछ और शॉर्ट होगा। दोस्तों मेरे पास मोबाइल पकड़ने वाला कोई नहीं था, इस कारण से इसका ब्रिज डॉट शॉर्ट निकला है। ठीक है इसका ब्रिज डॉट यहाँ से ये दोनों ई पॉल से ये दोनों में लीकेज हो गया है। ठीक है अगर हम एक हाथ से टेस्ट करके दिखाने की प्रयास करें, तो बन रहा फ्रंट दिखाने में हमको। टेंशन नहीं लीजिए फ्रंट, किसी और कष्ट कीजिए आप लोग के लिए कैमरा स्टैंड ले आएंगे। ठीक है डॉट